नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कि सफ़र के दौरान हमें उल्टियां क्यों होती है। इसको मोशन सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। मोशन का मतलब होता है गति। गति की वजह से अगर हमारे को जी मचलता है तो उसको सफ़र के इसको मोशन सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। यात्रा करते हैं तब तो इसको यात्रा करने की उल्टी होती है, इसलिए इसको ट्रेवल सिकनेस, एरोप्लेन सिकनेस और समुद्र में यात्रा करते हैं तो इसको सी सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, जब हम यात्रा करते हैं पैक्ड गाड़ियों में, जैसे बस है, ट्रेवल्स है, एरोप्लेन है, कार है, इनमें हम पैक्ड गाड़ियों में हम यात्रा करते हैं, हमारा जी मचलता है, उल्टियाँ होती। वही अगर हम मोटरसाइकिल पे या खुली गाड़ियों में हम घूमते हैं, चलते हैं, यात्रा करते हैं तो हमारा जी नहीं मचलता है। इसके पीछे कारण ये है, हमारी जो आँखें होती है, हम पैक्ड गाड़ी में बैठे होते हैं तब हमारी आँखें बाहर की तरफ देखती है, तो हम बाहर की ओर देख लेते हैं तो हमें लगता है, आँखें देखती है कि बाहर सब कुछ चल रहा है, गतिशील है, मोशन में है। लेकिन हमारा कान, जी हाँ साथियों, कान में एक द्रव्य पाया जाता है जो दिमाग को सूचना देता है, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है, हम स्थिर अवस्था में बैठे हैं। क्योंकि मस्तिष्क अपना जो सभी ज्ञानेंद्रियों से संदेश प्राप्त करता है और वह कंफ्यूजन वाली स्थिति में आ जाता है कि आँख तो कुछ और कह रही, कान कुछ और कह रहे हैं, और जब वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति आती है तब वो मीटिंग या उल्टी शुरू हो जाती है। इसी को मोशन सिकनेस, ट्रेवल सिकनेस, सी सिकनेस, एरोप्लेन सिकनेस के नाम से जानते हैं। अब हमें इसके अलावा हम जिसमें यात्रा करते हैं उसमें पैक्ड होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है कभी कभी, उसकी वजह से भी ये मोशन सिकनेस हो जाता है, या एक ही अवस्था में बैठने की वजह से, या ज़्यादा खाना खा के चले जाते हैं, अपच हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, उसकी वजह से भी ये वोमिटिंग या उल्टी हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी आप यात्रा करते हैं तो उससे पहले या यात्रा में गए हैं, आप बैठे हैं, आप खिड़की के पास ही बैठे हैं, खिड़की का शीशा थोड़ा खुला रखें जिससे ताज़ा हवा आपके पास आती रहेगी और आप जो है बाहर की तरफ कम देखें। इसके अलावा आप घर से जब निकलते हैं तो आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे नींबू है, पुदीना है, प्याज है, संतरा है, इस प्रकार की साधन अपने पास रख ले, या तो आप उसका जूस बना के अपने पास रख ले, या सीधे ही उनको जैसे प्याज भी खा सकते हैं, नींबू भी खा सकते हैं, पौधे की पत्तियां भी खा सकते हैं, संतरा भी खा सकते हैं, और संतरे का छिलका आप सूंघ लेते हैं तो अपना आपका जी जो मचलता है वो जी मचलना कम हो जाता है। हाँ तो साथियों, ये था मौसम सिकनेस, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक नए नए फैक्ट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद।